पदों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना सदर पुरंतक ग्राम पंचायत जंगराबाद के दानपुरवा की मस्जिद में धारा 144 का उल्लंघन करते 21 नमाजियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर क्वारंटाइन किया गया। इस संबंध में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270, 271 IPS 3 महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए संतोष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। तेलंगाना के वारंगल शहर के मंडी बाजार में कोरोना वायरस को लेकर हलचल मच गई। दरअसल वारंगल के मंडी बाजार क्षेत्र में उस समय वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे व्यक्तियों में कोरोना संदिग्ध पाए जाने की आशंका हुई, लेकिन फिर भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बड़ी मुश्किल से 38 लोगों को वारंगल के MGM हॉस्पिटल स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। उसके बाद पुलिस ने बाजार को पूरी तरह बंद करवा कर क्वारंटाइन कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीगी जमात में वारंगल के 38 लोगों ने भाग लिया। इनमें से अधिकतर लोग मंडी बाजार एरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मंत्री बल्ली दयाकर ने बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए गोवर्धन उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज, सकरूगढ़, चैती दुर्गा और रसूलपुर दाहला में विसर्जन हुआ। आज भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विदाई की, जहां साहिबगंज के घाट पर ही माता रानी की आरती व आराधना भी की गई। वहीं सुबह लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए माता रानी को विदाई किया। वहीं पूजा प्रभारी उमा दुबे ने बताया, हम लोग देश हित में, समाज हित में जिला प्रशासन के सहयोग से काम करते थे। जहां 10,000 की भीड़ लगती थी, आज 5 से 10 सदस्य मिलकर प्रतिमा का विसर्जन किया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। आज पूरे शहर में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है। आज माता रानी की विसर्जन की गई और लोग घर से भी बाहर नहीं निकले। लोग घर में ही मंदिर में कुछ आदमी मंदिर में जाकर पूजा किए, कुछ घरों में जाकर पूजा किए। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सब माता रानी की कृपा है। हम लोग देश हित में, समाज हित में शांतिपूर्ण, मतलब जो प्रशासन के सहयोग करने के लिए अपना सारा पूजा पंडाल, सारा लाइट को प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, मेला नहीं लगाए। भव्य जुलूस इसी रामनम 10,000 का भीड़ रहता था, लेकिन हम लोग 5-10 कार्यकर्ता मिलकर, 5 सदस्य मिलकर प्रतिमा का विसर्जन किए गंगा में। कोरोना वायरस को, जो देश का गंभीर बीमारी है, हम बचेंगे, देश बचेगा तो माँ का अगला बार पुनः फिर जोर शोर से पूजा होगा। इसलिए जय माता। चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी।